नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करने वाले मस्ट है वह वर्डप्रेस प्लगइन। अगर आपके पास वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो आपको आपकी वेबसाइट के अंदर कौन कौन से प्लगइन यूज़ करना ही चाहिए। अगर आप इसे यूज़ नहीं करते तो आपकी वेबसाइट में सिक्योरिटी, SEO, रैंकिंग या तो किसी भी प्रकार प्रॉब्लम आ सकता है। तो आज का वीडियो आप देखते रहिए। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा कि मैं कौन कौन से प्लगइन यूज़ करता हूँ हमारे वेबसाइट के अंदर और आपको कौन कौन से प्लगइन यूज़ करना ही चाहिए। तो यह सब कुछ जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। अब देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथों साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो मिलते रहे। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप एक वर्डप्रेस यूज़र हैं तो आपके पास कौन कौन से प्लगइन होने ही चाहिए। अब देखिए, आज की वीडियो के मुताबिक हम यूज़ करेंगे ondo.com का और मैं आपको बताऊंगा लाइव डैशबोर्ड में कि मैं कौन कौन से प्लगइन यूज़ करता हूँ और जो जितने भी प्लगइन मैं यूज़ करता हूँ इसका यूज़ क्या है, मैं आपको लाइव इसका टेस्ट करके भी दिखाने वाला हूँ। तो अब हम ओपन कर लेते हैं हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। तो मैं जाता हूँ दूसरे ब्राउज़र में और वहाँ जाकर मैं ओपन कर लेता हूँ डैशबोर्ड। डैशबोर्ड ओपन करने के बाद मैं जाता हूँ डायरेक्टली इंस्टॉलेड प्लगइन पे और मैं आपको देखिए जो हमारी वेबसाइट है इसका ही लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा कि जो आपको कौन कौन सा प्लगइन यूज़ करने चाहिए और मैं कौन कौन सा प्लगइन यूज़ करता हूँ। अब देखिए, सबसे पहला प्लगइन है, इसका नाम है, देखिए आपको देखा देगा, ऑल इन वन स्कीमा रिस्क स्निप। अब देखिए, ये प्लगइन का यूज़ क्या है। अब देखिए, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, इसके अंदर मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा देना चाहता हूँ। जैसे कि देखिए, सबसे पहले अगर आप ये प्लगइन का यूज़ करते हो आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर तो इसका आपको बेनिफिट क्या होगा। अब देखिए, तो आपने कई बार देखा होगा कि कई बार जो गूगल सर्च के अंदर रिजल्ट के अंदर जो आपको स्टार शो होते हैं रिव्यू एंड रेटिंग के, जैसे कि देखिए आपको दिखा देगा ये वाला जो हमारा पहला पहले पेज पे पहले नंबर पर पहली पोजीशन पे जो हमारा आर्टिकल रैंक हो रहा है इसके अंदर आपको देखा देगा, देखिए स्टार रेटिंग सिस्टम, जैसे कि देखिए आपको ये वाला। अब देखिए, ये गूगल के पहले पेज पे पहली पोजीशन पे रैंक होने का जो रीज़न यही है कि हमने हमारे आर्टिकल के अंदर स्टार रेटिंग सिस्टम ऐड करके रखी है पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। देखिए आपको दिखा देगा दूसरे एक भी आर्टिकल के अंदर आपको ऐसा नहीं दिखा देगा। तो सबसे पहला प्लगइन इसका नाम है, देखिए आपको दिखा देगा ये वाला ऑल इन वन स्कीमा। इसका यूज़ करने का बेनिफिट ये कि है कि आपकी गूगल के सर्च रिजल्ट के अंदर आप इस तरह के स्टार शो करवा सकते हो। तो सबसे पहला प्लगइन है, ये सभी प्लगइन की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दूंगा, वहाँ जाके आप एक एक कर को डाउनलोड एक एक करके इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे कि देखिए, हमने सबसे पहले बात की इस तरह से, तो ये प्लगइन का ये काम ये होता है कि आपको अगर आपके गूगल के सर्च रिजल्ट में स्टार शो करवाने हैं, रेटिंग शो करवाने हैं आपके आर्टिकल की, तो ये प्लगइन आपको बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। इसीलिए मैं इसका यूज़ करता हूँ। इसके बाद प्लगइन है, इसका नाम है एंटी स्पैम। अब देखिए, अगर आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर जो वर्डप्रेस की डिफॉल्ट कमेंट सिस्टम का यूज़ करते हो तो ये प्लगइन आपके पास होना ही चाहिए। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि आपकी जो कमेंट सिस्टम के अंदर यानी कि कमेंट्स के अंदर बहुत ही सारे यूज़र इसकी वेबसाइट के लिंक वगैरह ऐड करते हैं, जो स्पैम वेबसाइट होती है इसकी लिंक ऐड करते हैं। तो आपको इस केस में देखिए ये प्लगइन यूज़ करना चाहिए, ऑटोमेटिकली स्पैम कमेंट को डिटेक्ट कर लेता है और इसे यहाँ पे अप्रूव नहीं होने देता है। इसके बाद का जो मोस्ट है वो प्लगइन है, वो है ब्रेडक्रम नेवेक्स। अब देखिए, ये प्लगइन काम बहुत ही अच्छा है। अब देखिए, कंपेयर टू अगर आपकी जो वर्डप्रेस की थीम है इसके अंदर आपको बाय डिफॉल्ट ब्रेडक्रम नेविगेशन मिलता है और अगर आप इसे रिमूव करके आपका खुद का जो प्लगइन यूज़ करके आप ऐड करते हो तो इसका आपको बेनिफिट बहुत ही मिलता है। जैसे कि देखिए, मैं आपको लाइव एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट है, इसके अंदर जो वर्डप्रेस की डिफॉल्ट थीम है इसका ब्रेडक्रम है और जैसे कि देखिए, मैं आपको दूसरी वेबसाइट दिखाता हूँ इसके अंदर जो हमने कस्टम ब्रेडक्रम यूज़ करके रखा, तो इसमें दोनों में डिफरेंट क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए, दोनों आर्टिकल सक्सेसफुली ओपन हो चुके हैं। अगर आप यूज़ करते हो ये प्लगइन का तो अगर देखिए, इसके बाद आप इसे कस्टमाइज करते हो तो अगर देखिए इसके अंदर तो मैंने थीम का डिफॉल्ट जो ब्रेडक्रम इसे कस्टमाइज करके रखा है। देखिए आपको ये दिखा देगा। तो अब देखिए, इस केस में क्या होगा, जैसे कि देखिए मैं ये आर्टिकल को यहाँ से सर्च कर लेता हूँ ये वाला और इसके अंदर देखिए रिजल्ट आता है। तो इसके अंदर आपको देखना है कि जो इसकी URL वो किस तरह से शो होते हैं, आपको देखकर देखिए यहाँ पर दिखा देगा ondo.com, इसके बाद बेस्ट एंड्रॉयड ऐप्स फॉर ब्लॉगर। इसके कंपेयर में अगर आप यूज़ करते हो ब्रेडक्रम नेविगेशन और इसके बाद इसे आप कस्टमाइज करते हो तो इसका आपको क्या बेनिफिट मिलता है वो आपको दिखाता हूँ। देखिए आपको दिखा देगा, मैं और आर्टिकल सर्च कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि देखिए, हमने यहाँ पर लॉन्ग टर्म कीवर्ड सर्च कर लिया, इसके बाद यहाँ पर देखिए जो पहले पेज पे हमारा आर्टिकल ये वाला रैंक हो रहा है। अब देखिए, इसके अंदर आपको क्या देखने वाली चीज़ ये होगी कि आपको देखिए URL के अंदर डिफरेंट दिखाई देगा। देखिए आप देखिए यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देगा कि vboom.com आर्टिकल और वर्डप्रेस,
तो ये बेनिफिट होता है जो कस्टम ब्रेडक्रम्ब नेटवर्क से यूज़ करने का। अब देखिए इसके कंपेयर में आप सभी वेबसाइट का यूआरएल देख लीजिए, इसके अंदर आपको कहीं भी ऐसा नहीं दिखा देगा। तो इसका बेनिफिट ये है, जो कम से कम टाइम में रैंकिंग होने का बेनिफिट ये है। अब ये आपको दिखा देगा यूआरएल, तो ये आपको दिखा देगा। और देखिए इसके अंदर वेबसाइट के अंदर भी आपको यहाँ पर दिखा देगा ये जो कस्टम ब्रेडक्रम्ब है, तो इसका भी यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही अमेजिंग प्लगइन है, आप अपने मुताबिक इसका यूज़ कर सकते हो। इसे आप जिस तरह से चाहे इसे कस्टमाइज कर सकते हो, आपको जो भी इसमें ऐड करना है वो भी आप कर सकते हो। देखिए आपको देखा आइकॉन, इसके बाद आप अपने मुताबिक इसके अंदर जो आइकॉन है वो सब कुछ आप इसमें अपने मुताबिक ऐड कर सकते हो। ये भी बहुत ही अमेजिंग प्लगइन है। इसके बाद है कॉन्टैक्ट फॉर्म सेवर। अब देखिए इसका तो सब कुछ यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट के पेज में कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करने के लिए, तो ये तो डिफॉल्ट प्लगइन है। इसके बाद है कुकी कंस्टेंट। अब देखिए ये प्लगइन भी आपको यूज़ करना चाहिए। अब देखिए आपको पता है कि ऑलरेडी की GDPR लागू हो चुका है, तो आपको ये प्लगइन यूज़ करना है। सिंपली आपको ये प्लगइन यूज़ करने के बाद इसे आपको कॉन्फ़िगर करना है, तो आपका काम हो जाएगा। इसके बाद का प्लगइन है, इसका नाम है ईमेल एड्रेस एनकोडर। अब देखिए इस पर एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, लेकिन इसका जो काम क्या है कि अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर कहीं भी ईमेल एड्रेस ऐड करते हो, यानी कि ऐसी आप फैसिलिटी प्रोवाइड करते हो कि वहाँ पर क्लिक करके कोई भी आपको ईमेल कर सकता है, तो इस केस में आपको इस प्लगइन का यूज़ करना चाहिए। तो देखिए ये किसी भी स्पैमर यानी कि जो बूट की मदद से जो बूट सॉफ्टवेयर की मदद से आपके साथ जो स्पैम करता है, आपको बहुत ही सारे ईमेल सेंड करता है, वो नहीं कर पाता, तो आपको ये प्लगइन यूज़ करना ही चाहिए। इसके बाद का प्लगइन है, इसका नाम है फॉन्ट अवसम फॉर मैनो। अब देखिए इस केस में ये प्लगइन यूज़ करने का बेनिफिट क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको आर्टिकल ओपन करके दिखाता हूँ। अगर देखिए आपको नेविगेशन मेनू में फॉन्ट अवसम आइकॉन ऐड करना है, तो आपको ये प्लगइन यूज़ करना चाहिए। देखिए आपको यहाँ पर दिखा देगा ब्यूटीफुल आइकॉन, आप इस प्लगइन की मदद से आसानी से ऐड कर सकते हो। इसके बाद का प्लगइन जो मैं यूज़ करता हूँ, इसका नाम है SC कस्टम WP एडमिन URL। अब देखिए इसका बहुत ही बेनिफिट है। अगर आप अपनी वेबसाइट को सिक्योर करना चाहते हो, तो आपको ये प्लगइन यूज़ करना ही चाहिए। अब देखिए प्लगइन कैसे वर्क करता है। ये प्लगइन की मदद से आप अपने वर्डप्रेस की डिफॉल्ट लॉगिन URL को चेंज कर सकते हो। ऐसे कि देखिए ये हमारा आर्टिकल सेक्शन है, इसके अंदर देखिए नॉर्मली कोई भी हैकर ट्राई करेगा हैक करने की, तो नॉर्मली क्या ट्राई करेगा, इसे ट्राई करेगा। ऐसे कि देखिए WP एडमिन, तो क्या होगा कि वो हमारी एडमिन जो एडमिन यानी कि लॉगिन फॉर्म को एक्सेस नहीं कर पाएगा। देखिए आपको देखिए ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो गया और फिर से होम पेज आ गया। तो ये प्लगइन यूज़ करने का बेनिफिट यही है कि आपका जो लॉगिन पेज है इसे हाइड कर देता है और सिक्योर कर देता है। इसके बाद रियली सिंपल SSL जो सर्टिफिकेट का प्लगइन है, अगर आप अपनी वेबसाइट में सर्टिफिकेट यूज़ करते हो SSL सर्टिफिकेट, तो आपको ये प्लगइन यूज़ करना ही चाहिए। इसके बाद का प्लगइन है, अब देखिए बहुत ही सारे ब्लॉगर जो है वो कम यूज़ करते हैं। अब देखिए ये प्लगइन की मदद से क्या होगा, रिमूव कैटेगरी बेस। अब देखिए मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि नॉर्मली आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी होगी कि इसके अंदर क्या हो, जैसे कि देखिए ये जो ब्रेडक्रम्ब है यहाँ पर आपको दिखा देगा, इसके अंदर क्या है कि जो ऐप वाली एक कैटेगरी है, तो इसमें मैं क्लिक करता हूँ क्या होगा कि जैसे मैं वहाँ पर क्लिक करूँगा तो आपको URL के अंदर क्या दिखा देगा, Android.com, इसके बाद ऐप्स। लेकिन आपने देखिए जनरली सभी वेबसाइट के अंदर आपने देखा होगा कि अगर आपको वर्डप्रेस के अंदर किसी भी कैटेगरी को एक्सेस करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐप्स जो ऐप्स लिखा है इसके बीच में कैटेगरी जो कीवर्ड आएगा, तो आपको इसे रिमूव करना है कैटेगरी और डायरेक्टली आप ऐप्स लिखना चाहते हो, तो ये प्लगइन आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। वो अपने URL में से कैटेगरी रिमूव कर देगा और डायरेक्टली आपकी जो किसी भी कैटेगरी से शो कर दे, इसके मदद से आप अपनी URL को SEO फ्रेंडली बना सकते हो। इसके बाद का प्लगइन है वो टेबल ऑफ कंटेंट प्लस। अब देखिए बार बार यूज़र मुझे कमेंट में पूछते रहते हैं कि आपने जो आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर जो टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करके रखा है वो किस तरह से ऐड किया है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, ये प्लगइन यूज़ करना, इसका नाम है टेबल ऑफ कंटेंट। तो सिंपली आपको देखिए मैंने पहले भी आपको बताया, इसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो सिंपली वहाँ जाकर आपको देखिए ये जो प्लगइन है इसका टेबल ऑफ कंटेंट लिखा है, इसमें शो पे क्लिक करूँगा तो कंप्लीट आर्टिकल का कंटेंट शो होगा, इस पर कोई क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर रिडायरेक्ट होगा, देखिए इस तरह से। तो ये प्लगइन का यूज़ करने का बेनिफिट आपको SEO में बहुत ही मिल सकता है, तो आपको इसे यूज़ करना ही चाहिए। ये देखिए इसके बाद का जो प्लगइन है वो है WP फास्टेस्ट कैश। अब देखिए ये प्लगइन का मैं सभी वेबसाइट के अंदर यूज़ करता हूँ, ये अमेजिंग प्लगइन है। ये प्लगइन की मदद से आप अपनी वेबसाइट की कैश को क्लियर कर सकते हो। अब देखिए आपकी वेबसाइट के अंदर कुछ आप डिज़ाइन कर रहे हो, तो अगर आप ये प्लगइन यूज़ नहीं करते तो आपकी डिज़ाइन के अंदर इफेक्ट लाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसके मदद से क्या होगा कि आपकी वेबसाइट पर जैसे आर्टिकल पोस्ट होगा, या तो आप आर्टिकल को अपडेट करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी कंप्लीट वर्डप्रेस वेबसाइट की कैश को यह क्लियर कर देगा, और ये अमेजिंग प्लगइन है, इसका भी आपको यूज़ करना चाहिए।
और इसके साथ साथ इसका बेनिफिट ये है। अब देखिए मैं इस पर आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, ये आपकी वेफर की सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है, साथों साथ आपकी वेफर में कैश, इसके बाद आपकी वेफर की स्पीड को इम्प्रूव कर देता है। इसके बाद अगर आप यूज़ करते हो आपकी वेफर में क्लाउडफ्लेयर तो इसको भी आप कनेक्ट कर सकते हो। ये आपको इसके अंदर बहुत ही सारे ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि दूसरे प्लगइन के अंदर नहीं मिलते और ये बिल्कुल फ्री है। इसके बाद का प्लगइन है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लगइन। अब देखिए बार बार ये भी मुझे यूजर पूछते रहते हैं कि आपने आर्टिकल के अंदर देखिए आपको ये देखा देगा कि ये एप्लीकेशन किस तरह से अपलोड करवाते हो। अब देखिए आपको देखा देगा ये अंदर जितने भी मैंने एप्लीकेशन लिस्ट की है टॉप 10 एप्लीकेशन, ये सभी एप्लीकेशन की लिंक आपको डायरेक्टली यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे कि देखिए आर्टिकल किसी भी एप्लीकेशन का रिव्यू, इसके बाद इसका नाम, इसके बाद डाउनलोड, इसके बाद QR कोड, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखिए ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये इस प्लगइन की मदद से पॉसिबल हुआ। इसका नाम है WP App Box, सिंपल प्लगइन है, आपको इसे इंस्टॉल करना है और शॉर्ट कोड की मदद से आप किसी भी एप्लीकेशन को आप अपनी वेबसाइट में लोड करवा सकते हो। तो ये प्लगइन भी बहुत ही यूज़फुल है। इसके बाद ऑलरेडी आप जानते हो कि आपको ये Yoast SEO का काम क्या है। अब देखिए मेरे पास जितनी भी वेबसाइट आज जितनी भी इसके अंदर मैं Yoast SEO का यूज़ करता हूँ, ये अमेजिंग प्लगइन है कंपेयर टू ऑल इन वन SEO। अब देखिए मैं सब कुछ इसके बारे में जानता हूँ इसलिए मैं इसका यूज़ करता हूँ, आप अपने मुताबिक यूज़ कर सकते हो। दोनों प्लगइन बिल्कुल फ्री है, इसमें से आपको जो भी पसंद है आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा ज़रूर नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा Yoast SEO। तो बस आज का वीडियो रही तक था, आज तक आपको वीडियो बहुत ही पसंद है, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथों साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते कि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो मिलते रहे। और जितने भी मैंने आपको आज के वीडियो के अंदर प्लगइन बताए ये सभी प्लगइन का आपको यूज़ करना ही चाहिए, इसका बेनिफिट आपको बहुत ही सारा होगा आपकी रैंकिंग में, SEO रैंकिंग में, सब में। तो बस आज का वीडियो रही तक था, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।